हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। वॉइस आ रही है कि एक बार क्लियर कीजिए, वॉइस क्लियर है क्या? क्योंकि आज माइक अटैच करना हम भूल गए हैं। हाँ जी, वॉइस क्लियर है क्या एक बार पता कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा क्योंकि आज माइक अटैच नहीं हो पाया है, तो थोड़ा सी जैसी आवाज आ रही वैसी आएगी। चलिए एक बार, थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, आज 5 मिनट क्लास लेट हो गई है, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 1 मिनट का स्टूडेंट्स का। बाकी उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे होंगे और आपके जो भी 100% मेहनत कर सकते हैं वो मेहनत कर रहे होंगे आपके खुद के लिए, आपके भविष्य के लिए और सिलेक्शन के लिए। मैं तरुण सैनी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं टीएसएल में, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक लाइव क्लास जो इमेज बेस्ड क्लास ही है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन ही उसमें कराने की हम कोशिश करेंगे। तो एक बार सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पाए। मैं वेट कर रहा हूं आपके शेयर करने का, प्लीज शेयर कर दीजिए जल्दी से। और नर्सिंग ऑफिसर्स, आज का जो एपिसोड है वो है क्वेश्चन आंसर का, देखा जाए तो 116 एपिसोड। इससे पहले के सारे एपिसोड यूट्यूब पे सेव है, अप्रोक्सीमेटली सभी के सभी सेव है। आज जो हम बात करेंगे वो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस एम्स के वाले, इसके रिगार्डिंग ही बात करने जा रहे हैं। स्टार्ट कर दिया जाए, शेयर कर दिया आपने तो फिर स्टार्ट कर देते हैं, फिर आते रहेंगे जो भी लोग आएंगे क्योंकि हमको टाइम से क्लास भी ओवर करना है। वे टू सक्सेस वालों ने बोला आप ऑनलाइन क्लास शुरू कीजिए। वे टू सक्सेस जी ऑनलाइन ही है, सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, कैसे भी पढ़ सकते हो आप, अभी भी ऑफलाइन ही तो जा रहे। चलिए बात शुरू करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं आज क्वेश्चन में। ध्यान से समझिए, ये चीज आपको काफी मोटिवेशन देगी। बैठकर खाने वालों की इज्जत कहां है साहब? दुनिया में लोग रोटी भी भीख समझ कर देते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। जब हम प्राइवेट हॉस्पिटल में नौकरी करते हैं और जब कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी करते हैं तो ये चीज डेफिनेटली सामने आती है। नौकरी देने वाला भी दुनिया भर का एहसान कर रहा होता है और काम डबल लेता है, पैसे कम देता है, 8 बजे की जगह 9 बजे छोड़ता है, तो बहुत सारे दंश आपको झेलने पड़ते हैं। उन सारी चीजों से बाहर आ सकते हो आप गवर्नमेंट सर्विस करके, आपका खूब काम करो, खूब पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की। दूसरी बात की जाए, आपको बताया कि हम सारी क्लास हमारे एड और प्रमोशन के साथ ही शुरू करते थे, और टीएसएल ने एक स्पेशल बैच प्रारंभ किया है। इसमें एडमिशन मिलने का मतलब है 100% सिलेक्शन। सिलेक्शन बैच की बात कर रहा हूँ, 100% सिलेक्शन बैच लॉन्च कर चुके हैं हम। कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो यहाँ पे है, ये बैच शुरू होगा 8 दिसंबर से, 100% सिलेक्शन की गारंटी हमारी होगी। ऑफलाइन बैच होगा, 20 स्टूडेंट्स इसके अंदर होंगे, सेम बैच ऑनलाइन भी जाएगा, ऑनलाइन वाले भी पढ़ सकते हैं। टाइम 8 बजे से 7:30 बजे तक बैच का टाइमिंग होगा, जिसमें से 8 से 2 बजे तक तो लाइब्रेरी होगी और 2:30 से 7:30 बजे तक क्लासेज होगी। डेली टास्क कंप्लीट करना स्टूडेंट का जरूरी होगा, मंथ में किसी भी कंडीशन में 4 दिन से ज्यादा ऑफ नहीं होगा। नेक्स्ट बात की जाए, 100% इंडिविजुअल अटेंशन होगा स्टूडेंट के ऊपर। एंट्री क्लास के अंदर तभी होगी जब पिछला आपने कंप्लीट किया हुआ, यदि नहीं किया तो फर्स्ट डे आपको फाइन भरना पड़ेगा, एंट्री हो जाएगी। सेकेंड डे में नहीं किया है तो आपकी क्लासेस जब तक आप कंप्लीट नहीं करते हो तब तक के लिए सस्पेंड कर दी जाएगी। नेक्स्ट, एडमिशन प्रोसेस के अंदर केवल स्क्रीनिंग टेस्ट के बिहाफ पे हम एडमिशन लेंगे, 10 डेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। यदि इसके बाद स्टूडेंट जो हम टेस्ट लेंगे उसमें 50% क्वालिफाइंग मार्क्स लेता है तो ही स्टूडेंट को एडमिशन दिया जाएगा। फीस लास्ट बैच की 25 थी, अभी 25 है, बढ़ेगी तो आपको बता देंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अब स्टार्ट,
कुशवा जी ने पूछी ऑफलाइन क्लास कहाँ होती है, ऑफलाइन क्लास होती है दिल्ली में। हाँ जी, इमेज डिवाइस नेम इज, देखिए मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं बड़े डिवाइस पढ़ने की बजाय जो हॉस्पिटल में कॉमनली डिवाइस देखने को मिलते हैं, जो एक नर्सिंग ऑफिसर एबीसीए लेवल पे पोस्टेड होता है तो उसको क्या क्या डिवाइस चाहिए होते हैं, ठीक है, उनका आपको ज्यादा स्टडी करनी है कि जो इमेज डिवाइस है इसका नाम क्या है। मैंने और भी क्वेश्चन नए भी बनाए हैं, आप ठीक से थोड़ा सा बने रहे मेरे पास, ठीक है, क्या नाम है ध्यान से समझिए, इमेज डिवाइस नेम इज, क्या लग रहा है आपको, सोचो ये है, घात लग रहा है क्योंकि एल्बो दिख रही है, ठीक है, तो ये है क्या चीज, एक्चुअल में है क्या, दिमाग लगाना थोड़ा सा कि आर्म रिस्ट्रेंट है या जैकेट रिस्ट्रेंट है या मिटन है या हैंड प्रोटेक्टर है, क्या चीज है ये, ठीक है, क्योंकि मिलते जुलती चीजें डेफिनेटली पूछी जा सकती है, तो आपको समझ में आना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर की ये है क्या चीज। चलिए हम इसके आंसर की तरफ चलते हैं, ध्यान से समझना, इसका करेक्ट आंसर है सी मिटन। It is used to prevent from the dislodging invasive equipment, removing the dressing and scratching by the patient. Mainly हम कब काम में लेते हैं, जब हम इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर हो, पेशेंट इंटेंसिव केयर यूनिट को बार बार लाइन्स को खींच रहा हो, तो ये हम मीटर बना देते हैं उसके हाथ पे, ये जरूर काम में लेते, नहीं तो ये आर्म रिस्ट्रेंट है, नहीं जैकेट रेस्टेंट है, नए हैंड प्रोटेक्टर है, ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है, करेक्ट आंसर है आपके सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप तैयारी भी कर रहे हो, ठीक है, विच इज नोन एज लूप कोलोस्टोमी, जल्दी से बताइए, ये आपके सामने इमेज है, इसमें से ए बी सी और डी लिखा हुआ है, कौन सा इसके अंदर लूप कोलोस्टोमी होगा, ए बी सी और डी, ये आपको पता है यहाँ कोलोस्टोमी किया हुआ, ए में हमने ये क्या किया हुआ, ये क्या किया हुआ, ये क्या किया हुआ, कौन से को लूप कोलोस्टोमी इसमें से बोलेंगे, जल्दी से आंसर देना है प्लीज, इतना टाइम नहीं होगा ना, ठीक है। देखिए ये असेंडिंग कोलन है, क्या है, असेंडिंग कोलन है, तो असेंडिंग कोलोस्टोमी बोल सकते हैं, ये आपके ट्रांसवर्स कोलन है, ट्रांसवर्स कोलन, ठीक है, ये आपके डिसेंडिंग कोलन है, ठीक है, ये सिग्मोइड है, सिग्मोइड, ठीक है, आपको पता है कि ये आपके असेंडिंग कोलन, ये ट्रांसवर्स कोलन, और ट्रांसवर्स कोलन को क्या बोलते हैं, हम लूप कोलेस्टोमी बोलते हैं, तो ये क्वेश्चन आना चाहिए, मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं, आपके पास भी उतना समय नहीं होगा, इसलिए शॉर्ट में जा रहा हूं, करेक्ट आंसर बी, द ट्रांसवर्स कोलन कोलेस्टोमी इज ऑल्सो नोन एज लूप कोलेस्टोमी। इस कोलोस्टोमी में कभी भी इसके अंदर इमरजेंसी क्लोजर हो सकता है, इस कोलोस्टोमी में, समझ रहे हो, तो इतना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, बताइए इनमें से क्या चीज यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी मेजर करने के लिए काम में आना चाहिए। एक एप्रिसिएशन आया है नर्सिंग एम्पावरमेंट वालों की ओर से, तो धन्यवाद बहुत बहुत आपको, विच इज यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, ठीक है, क्या रिफ्रेक्टोमीटर से करना चाहिए, क्या हाइड्रोमीटर से करना चाहिए, रिएजेंट स्ट्रिप से कर सकते हैं या सभी से कर सकते हैं, क्या आंसर होना चाहिए इसका, जल्दी से सभी नर्सिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट है कि रिस्पॉन्स बहुत फास्ट दें। वेरी गुड, मैं आपके रिस्पॉन्स का ज्यादा वेट नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे बताना बहुत जरूरी है, ठीक है, करेक्ट आंसर है आपके डी, द नॉर्मल यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको पता है इतना होती है, ऑल ऑफ अवर आर यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी, रेफ्रेक्टोमीटर भी काम में लिया जा सकता है, हाइड्रोमीटर भी काम में लिया जा सकता है, रीएजेंट स्ट्रिप होते हैं, डिप स्टिक मेथड जिसको बोलते हैं वो भी काम में लिया जा सकता है, तो सभी से हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। नेक्स्ट, ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, देखिए मैंने यहाँ पे बहुत कुछ दिखाने की कोशिश की है, समझना, विच पॉइंट इज एक्यूरेटली डिनोटिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन, ठीक है, अभी हमने बात की थी मीटर काम में ले सकते हैं, तो ये मीटर आपके सामने मैंने प्लेस किया है, आप इसमें देख के बताइए कौन सा पॉइंट, क्या ए पॉइंट, ये अपर लेवल ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस लिखा हुआ है,
अपर लेवल ऑफ मेनिस्कस, ठीक है, या फिर लोअर लेवल ऑफ मेनिस्कस, ये अपर ये लोअर, या फिर लोअर लेवल ऑफ मेनिस्कस, या फिर ये हाइड्रोमीटर का ये अपर लेवल, किससे किया जा सकता है? जल्दी से आंसर बताइए। देखिए ये क्वेश्चन काफी मेहनत करके बनाए हैं और डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे कि जैसे भी प्रैक्टिकल का यदि पेपर आता है तो। हाँ जी, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, जल्दी से आंसर दीजिए। हाँ चलिए अब हम थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, देखते हैं किसका क्या आंसर होगा। ठीक, ओहो हो, वापस आ जाते। ठीक तो देखिए इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा आपके, कहां से मेजर करेंगे हम? ये बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, लोअर लेवल ऑफ मेनिस्कस से हम इसको मेजर करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम चल रहे हैं फिर से नेक्स्ट। ये देखिए आपके सामने एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है। हाँ जी, आपको बताना है इसके बारे में, जो क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार प्रॉपर तरीके से। हाँ जी, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार प्रॉपर तरीके से कि क्या पूछा है। वन मिनट प्लीज। हाँ जी, सॉरी, द इमेज इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर डिफिकल्ट इंटीग्रेशन। हेलो, नेटवर्क में थोड़ा दिक्कत था, अभी बताइए ये किसके लिए काम है। द इमेज इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर, ये इंस्ट्रूमेंट किसके लिए काम में लिया जा सकता है? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस और नो प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स प्लीज। आवाज आ रही है मेरी आपको? लेट मी चेक इट। हाँ जी आ रही है, फिर ठीक है, इसका आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या है? ठीक है, आ रही है, इसका मतलब अच्छी बात है। हाँ जी, आंसर की तरफ चलते हैं। इसका आंसर जो एक्चुअल में आंसर है ये है क्या, पहले तो इस डिवाइस का नेम बताइए कि ये है क्या चीज, डिवाइस क्या है, नेम टाइप करके बताइए, जल्दी फास्ट टाइप करना है कि नेम क्या है इस डिवाइस का, क्या चीज है ये एक्चुअल में देखा जाए तो बताइए क्या चीज है ये। द इमेज इंस्ट्रूमेंट इज कसकॉस स्पेकुलम। क्या है? कसकॉस स्पेकुलम, यूज टू ऑब्टेन द पैप स्मीयर, यूज टू ऑब्टेन द पैप स्मीयर, ठीक है, तो दोनों के लिए, एंडो सर्वाइकल स्मीयर प्रिपरेशन के लिए भी या स्क्रैपिंग करनी हो, दोनों के लिए इसको काम में लिया जा सकता है, याद रख लीजिए कसकॉस स्पेकुलम। अब देखो मैं स्पेकुलम पे भी इसलिए जा रहा हूं कि ये कॉमन बात है, ठीक है, कॉमन प्रोसीजर है ये आपका, जो आप मेजर कर रहे हैं सैंपल ले रहे हैं, स्मीयर जो ले रहे हैं, ये कॉमन प्रोसीजर है, इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, सिक्स नंबर, फिर से एक ट्यूब ट्रैकेस्टोमेटिव का क्वेश्चन उठाया है, एक बार पढ़ के देखो क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट साइज ऑफ ट्रैकेस्टोमेटिव, इनमें से कौन सी चीज ट्रैकेस्टोमेटिव के साइज बताती है? ए ऑप्शन का मतलब ये है, बी का मतलब ये है, सी का मतलब ये है। देखिए जल्दी से बताना है आपको, पहली बात तो ये क्या है, इट इज द आउटर कैनुला, ठीक है, ये क्या है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का इनर कैनुला, ये क्या है आपका ऑब्चुरेटर, क्या है ऑब्चुरेटर। अब आंसर देना नर्सिंग ऑफिसर ठीक से। ए बी सी डी करके आंसर देना, वेरी गुड आंसर, ठीक है। देखिए आउटर कैनुला में प्रेजेंट जो ये है इसको बोलते हैं फेस प्लेट, क्या बोलते हैं? फेस प्लेट, तो फेस प्लेट भी बोलते हैं या फ्लेंज भी बोलते हैं, ठीक है, फेस प्लेट ही ज्यादा याद रखो, फेस प्लेट इंडिकेट करती है साइज ऑफ ट्रैकेस्टोमी ट्यूब, मतलब इस पे लिखा हुआ रहता है कि कितने नंबर की है,
तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, कौन इंडिकेट करता है, फेस प्लेट, ठीक है। बी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ए होगा, करेक्ट आंसर है आपके ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, ये आपके सामने देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ट्रू रिगार्डिंग इमेज इज, पहले इमेज देख लीजिए और फिर बताइए कि क्या इसके रिगार्डिंग ट्रू है। हाँ जी, पहले इमेज देख लीजिए, क्या ये स्पाइरल बैंडेज है, क्या फिगर ऑफ एट तरीके से बांधी हुई बैंडेज है, या फिर कंप्रेसर बैंडेज है, क्रैप बैंडेज है, या बी एंड डी दोनों सही, क्या है? इसमें ऐसे ऑप्शन सेट किए हैं मैंने कि इसमें काफी कुछ मैंने असेस करने की कोशिश की है कि स्टूडेंट उस पॉइंट तक पहुंचना चाहिए कि क्या पूछना चाह रहा है। देखो यहां से दिख भी रहा है कि ये आपके जो एप्लीकेशन के बैंडेजिंग टेक्निक है वो क्या है, फिगर ऑफ एट है, ठीक है। और ये बैंडेज कौन सी है, बैंडेज कौन सी है, ये क्रैप बैंडेज, ठीक है, कौन सी है, क्रैप बैंडेज। तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ई आपके करेक्ट आंसर होना चाहिए। और एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है, स्पेशली हिप्स के एग्जाम में, एंकल पे कौन सी बैंडेज अप्लाई करेंगे, एल्बो पे कौन सी बैंडेज अप्लाई करेंगे, तो आपको बैंडेजिंग भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये देख के बताइए एक बार, द इमेज बैंडेज इज, जो अब इसके सिर पे जो ये बैंडेज लगा रहे हैं बहन जी के, ये कौन सी है, ये बताना है आपको जल्दी से, का ये स्पाइरल बैंडेज है, क्या फिगर ऑफ एट है, क्या कैपलाइन है, या गोज बैंडेज है, क्या चीज है, जल्दी से आंसर दीजिए प्लीज। देखिए मैं अभी भी बोल रहा हूं, जो वार्ड में, जो आईसीयू में, जो ओटी में कॉमन चीजें होती हैं वो इंस्ट्रूमेंट आपको आने चाहिए, बड़े बड़े नहीं। क्या है ये, सही आंसर दिया ज्यादातर लोगों ने, इट इज द कैपलाइन बैंडेज, ठीक है, कैपलाइन बैंडेज, ठीक है। जो बैंडेजिंग की टेक्निक है वो कैपलाइन है, जो बैंडेज है वो गोज बैंडेज है, गोज बैंडेज ही है, जिसमें ऐसे गोज बैंडेज होती है ना, इसमें ऐसे होता है जाली होती है, ठीक है, ये गोज बैंडेज है, ठीक है। तो गोज बैंडेज है, और जो बैंडेजिंग टेक्निक है वो कौन सी है, कैपलाइन। ये तो यहाँ पे इतना स्पेसिफाई नहीं किया है, तो ध्यान से समझ लेना कि पूछा क्या है एग्जाम में, वो इंपॉर्टेंट है। देखो फिर से एक बार रीड करो, आपका आंसर चेंज हो जाएगा, द इमेज बैंडेज इज, तो इमेज बैंडेज पूछा, बैंडेजिंग टेक्निक नहीं पूछी तो डी आंसर, बैंडेजिंग टेक्निक पूछी तो सी आंसर। समझ गए कहां गलती हुई है, समझे इस बात को, फ्लो में नहीं जाना है, चीजें समझ लेना है, चाहे 10 क्वेश्चन करो बट ठीक से करना है। ये बात समझ गए कि इसका सी क्यों नहीं है, डी क्यों है, यस और नो प्लीज। क्वेश्चन में पूछा बैंडेज कौन सी है, तो बैंडेज तो कौन सी है, गोज बैंडेज है, बैंडेजिंग टेक्निक कौन सी है, कैपलाइन है, ठीक है, समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखिए आपके सामने 9th नंबर का क्वेश्चन, ये सर्जरी की है कोई, ठीक है, यहां थायराइड की होगी पहली बार, तो क्या पूछा है, क्लीनिंग ऑफ दिस वुंड शुड बी, इस वुंड को क्लीनिंग कैसे करना है, ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है, ये वुंड को क्लीन कैसे करना है। ऑप्शन ए टॉप टू बॉटम, ऑप्शन बी सेंटर टू पेरिफेरल इन सर्कुलर मोशन, ऑप्शन सी मीडियल टू लेटरल ऑफ द वुंड, ऑप्शन डी राइट टू लेफ्ट साइड, बताइए आंसर। देखिए नर्सिंग ऑफिसर्स हमेशा ऐसी कोई बात आती है ना तो वो समझने की कोशिश करना है। देखो हमारे पास तीन तरह के वुंड है, ठीक है, एक ऐसा वुंड हो सकता है जिसको बोलते हैं वर्टिकल, एक ऐसा वुंड हो सकता है जिसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, एक वुंड हो सकता है जैसे ये वुंड है, ठीक है, ये वुंड है, तो वुंड अराउंड ड्रेन, वुंड विद ड्रेन, ऐसे मान लीजिए ड्रेन मतलब या कोई पाइप है, ठीक है, ट्यूब विद वुंड विद ट्यूब ड्रेन। तो कभी भी देखो क्लीनिंग टेक्निक की बात, वर्टिकल है तो किधर करेंगे, टॉप टू बॉटम,
इधर करेंगे टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम कौन से वाले वर्टिकल में करना है, तो ये वर्टिकल तो है ही नहीं, ये तो हॉरिजॉन्टल है। ठीक, हॉरिजॉन्टल वुंड में किधर करना है आपके, हॉरिजॉन्टल सेंटर टू पेरिफेरल, फिर सेंटर टू पेरिफेरल मतलब मीडियल टू लेटरल। ठीक है, सेंटर टू पेरिफेरल इन सर्कुलर मोशन नहीं, सिंगल स्ट्रोक में करना है, यहां से इधर यहां से इधर। मीडियल टू लेटरल ऑफ द वुंड, सी आंसर इसका सही है, राइट टू लेफ्ट की यहाँ पे बात बिल्कुल भी नहीं है। ये कैसे करना है, वुंड अराउंड सेंटर टू पेरिफेरल, इनर टू आउटर सर्कल, क्या बोलेंगे, इनर टू आउटर सर्कल, आउटर सर्कल में क्लीन करना है वुंड अराउंड द ड्रेन का, ये आपको याद रख लेना है। तो करेक्ट आंसर होगा इसमें कौन सा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे चल रहा हूं मैं, आप बाद में उतार लेना जब आपको फुर्सत मिले। ये देखिए मैंने सारे जनरल टॉपिक्स आपके उठाए हैं कि आपको ट्रैप हो सके क्वेश्चन और समझ में आ सके। हाँ जी नर्सिंग ऑफिसर, ठीक से देखिए एक बार, द इमेज मेजरिंग डिवाइस नेम इज, जो इमेज में जो मेजरिंग डिवाइस काम में ले रहे हैं इसका नाम क्या है, एनेरोइड मैनोमीटर है और सीओपी सीवीपी मैनोमीटर है, सीएसएफ मैनोमीटर है या लंबर पंक्चर है, क्या है ये डिवाइस क्या है। अब देखो मैंने तो यहीं पे कंफ्यूज कर दिया आपको दोनों को, ये चीज है क्या, क्या चीज है, वेरी गुड, कुछ लोग बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, हम फिर से इस चीज को देखते हैं। देखिए ठीक, करेक्ट आंसर है सी। अब एक्चुअल में बात की जाए तो सीवीपी मैनोमीटर और सीएसएफ मैनोमीटर एक ही होते हैं। ठीक है, ये मैनोमीटर है जो पानी से मीजर कर रहा है, या पानी मीटर है जो सेंटीमीटर ऑफ H2O में मीजर करता है, सेंटीमीटर ऑफ H2O में, ये एक ही डिवाइस होता है। जब इसे सीवीपी लेते हैं तो सीवीपी मैनोमीटर बोल देते हैं, जब इसे लंबर पंक्चर वाला ले रहे हैं सीएसएफ मैनोमीटर बोल दे रहे, बस ज्यादा कोई फर्क इसमें नहीं है, सेम डिवाइस है, क्या है, सेम डिवाइस है, दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट, ठीक, अब ये चीज देखिए एक बार, 10 नंबर, अच्छा पहले 11 आ गया फिर 10 आ गया, सॉरी, द इमेज इंस्ट्रूमेंट जीरो लेवल शुड बी एट। ठीक है, अब ये कुछ भी नहीं दे रखा है तो मोस्ट कॉमनली किसके लिए काम में लिया जा सकता है, सीएसएफ मेजरमेंट के लिए, सॉरी सीवीपी मेजर, सेंट्रल वेनस प्रेशर के लिए, तो इसमें जीरो लेवल होता है, इधर नीचे माइनस में रीडिंग है, इधर पॉजिटिव में रीडिंग, तो जीरो लेवल किसके लेवल पे होना चाहिए, ठीक से सोच के बताइए, जीरो लेवल कौन से पॉइंट पे होना चाहिए, कौन से लेवल पे होना चाहिए नर्सिंग ऑफिसर्स, जल्दी से बताइए प्लीज, whether it is up to right atrium level or point of maximum impulse, apex of third or fourth intercostal space, kidhar hona chahiye, mujhe pata tha ki zyada tar log tukke marenge, isliye maine ye question dala hai, kyunki zyada tar log level ke koi baat aati hai heart mein to seedha utha ke answer dete hai na, seedha attack utha ke answer dete hain apex of the heart, are itna ratna nahi hai cheezon ko, thoda samajhna hai हमको, वेन का प्रेशर मेजर करना है पहली बात, आर्टरी तक तो जा ही नहीं रहे, ठीक, तो क्या आंसर होना चाहिए, करेक्ट आंसर इज ए, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम विल बी करेक्ट आंसर, कौन सा है, राइट एट्रियम इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ठीक से समझना है इसको, गलती नहीं करना है एम्स में जाके, वरना आंसर की मिलाते रहोगे इधर उधर। हाँ जी नेक्स्ट, ये देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने और भी बनाए, द इमेज इंस्ट्रूमेंट नेम इज, बताइए क्या है, अब ये भी कॉमनली काम आने वाला, इंटेंसिव केयर यूनिट में या वार्ड में कॉमनली काम आने वाला इंस्ट्रूमेंट, आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में कि ये है क्या, क्या क्या ये वॉट वॉटर बैग है या आइस कैप है या सैंड बैग है या इनमें से कोई नहीं है, क्या चीज है ये, जल्दी से बताइए, वेरी गुड नर्सिंग ऑफिसर, बढ़िया आंसर दिया आपने, ये है आपके हॉट वाटर बैग। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है, इट इज हॉट वाटर बैग, किसके लिए काम में लेते हैं, हॉट एप्लीकेशन के लिए काम में लेते हैं, कोई भी लोग कर लेते हैं, इसका टेम्परेचर 105 टू 115 डिग्री फ़ारेनहाइट हम रख सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट, ये इंस्ट्रूमेंट देखिए, द इमेज इंस्ट्रूमेंट नेम इज, ये क्या चीज है,
The image instrument name is. अब ये मत बोलना है ठीक से नहीं दिख रहा, इससे भी बुरा दिखेगा इसमें. बताइए ये क्या है? ऑप्शन ए हॉट वाटर बैग, ऑप्शन सी आइस कैप, ऑप्शन सी सैंड बैग. क्या चीज है? फास्ट रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज. वेरी गुड, ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है. इसका करेक्ट आंसर है बी, ये आइस कैप है जो राउंड करके आ रहा है. ठीक है, वो आइस कैप है और जो वैसे बैग टाइप का है वो हॉट वाटर बॉटल. ठीक है, तो ये क्या है आपके? देखिए करेक्ट आंसर है इसका बी, आइस कैप है. इसके ऊपर ना जाए, ये हॉट वाटर बॉटल नहीं है, बॉटल नहीं, ये है आइस कैप यूज टू प्रोवाइड द कोल्ड एप्लीकेशन. ठीक है, नेक्स्ट 13. ये देखिए क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन क्रिएट किया है आपके लिए, शायद आप इस पर तक एड्रेस कर पाओगे, मुझे ऐसा लगता है. डेफिनेटली सोचिए एक बार क्या क्वेश्चन है, अभी क्रिएट किया, अभी मैं बैठे बैठे ये क्वेश्चन बनाया है. ठीक है, द इमेज डिवाइस नेम इज, बताइए क्या है? इससे अगले वाले को और एडवांस किया. वेदर इट इज क्लोज्ड ड्रेनेज, उन ड्रेनेज, चेस्ट ट्यूब, क्लोज सक्शन कैथेटर और रेक्टल ट्यूब. क्या चीज है? वेरी गुड, इट इज क्लोज सक्शन कैथेटर. क्या चीज है ये? क्लोज सक्शन कैथेटर है. ठीक, क्लोज सक्शन कैथेटर. ये रेशनल पे मत जाना, ये दूसरे का कॉपी हुआ हुआ है, क्लोज सक्शन कैथेटर. अब इसका आंसर दीजिए प्लीज. देखें हाँ जी, विच पॉइंटेड पार्ट शुड बी अटैच्ड विद वॉल सक्शन पाइप. अब आपने बोल तो दिया कि ये क्लोज सक्शन है, बट कौन से पोर्ट कनेक्ट रहता है सक्शन का, जो पाइप है, जो वॉल सक्शन है, या उससे कौन सा पोर्ट कनेक्टेड रहता है, ये आपको बताना है. क्या ए पोर्ट, बी पोर्ट, सी पोर्ट या फिर डी पोर्ट? ये डी पोर्ट है, ये सी पोर्ट है, ये ए पोर्ट है, ये बी पोर्ट है. कौन सा कनेक्टेड रहता है? देखिए जो भी थोड़ा सा भी दिमाग लगा रहा है ना इन क्वेश्चंस में, वो इस चीज को कर देगा. जो हॉस्पिटल में घुसा होगा, कभी गलती से भी चला गया होगा, एज ए अटेंडेंट चला गया होगा, वो भी कर देगा इसको. क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि ये क्लोज्ड सक्शन है. ठीक है, क्लोज सक्शन कैथेटर है. तो देखिए ये पार्ट तो आपके वैसे भी या तो ईटी ट्यूब में कनेक्ट होगा या ट्रकेस्टमी ट्यूब पे कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्टर लगा हुआ है. ठीक है, दूसरी बात की जाए, ये आपके देखिए यहाँ पे एक स्विच होता है जिसको हम आगे किसका देते हैं. ठीक है, आगे किसका देते हैं, और जब सक्शन अप्लाई करना होता है बाकी वो वापस पीछे आ जाता है. ठीक है, तो ये पार्ट है, यहाँ पे क्या होता है, सक्शन पाइप आप या सक्शन सोर्स आप अटैच कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे क्या अटैच कर देंगे हम? ईटी ट्यूब या ट्रकेस्टमी ट्यूब, और इधर हम क्लोज सक्शन हम अटैच कर लेंगे. ठीक है, सक्शन पाइप हम अटैच यहां पे कर लेंगे. तो करेक्ट आंसर होगा ए, करेक्ट आंसर होगा इसका ए. करेक्ट आंसर होगा आपके ए. नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं. एक क्वेश्चन पढ़ के देखिए एक बार. In image device, which type of pressure is exerted या applied? बताइए कौन सा pressure apply होता है इसमें? पहली बात तो ये है क्या? वो पता करना भी जरूरी है. It is portable suction device. क्या है? Portable suction machine. Portable suction machine है. ठीक है, तो ये कौन सा प्रेशर? ये नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करता है, चीजों को खुद की तरफ खींचती है. चीजों को क्या करते हैं? खुद की तरफ खींचती है. तो कैसा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं? नेगेटिव प्रेशर ये एग्जर्ट करती है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी. ठीक, आज के लिए इतना ही है. थैंक्स फॉर वॉचिंग तरुण लेक्चर्स. किसी को भी एम्स की ट्रेसरी ज्वाइन करनी हो अभी भी तो कर सकते हैं. ट्रेसरी के कुछ बेसिक फीचर है,
टोटल आपके 60 टेस्ट हैं, अपलोड हो चुके हैं सारे के सारे टेस्ट, उसमें से 20 टेस्ट मेजर टेस्ट है। मेजर टेस्ट का मतलब है 200 क्वेश्चन एक ही टेस्ट, उसमें मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड है, वन एससी नर्सिंग के, इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन है मेन क्विज भी हमने इंक्लूड किए, ठीक है। वो 3 आवर्स का टाइमिंग है, एज पर एम्स सेम स्टैंडर्ड के साथ, कोई 45 to 50% भी लेके आता है तो अच्छा मार्क्स उसके हैं। 40 आपके सब्जेक्ट टेस्ट है जिनको माइनर टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 100 क्वेश्चन के हिसाब से है, तो टोटल जो है इसके अंदर 8000 क्वेश्चन है। जिसको भी लेना हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और वहां से परचेज कर सकते हैं। आप ध्यान से समझिए, क्लियर करने बात। कल आईसीयू के इंस्ट्रूमेंट करा सकता हूं मैं शाम को, आपको यदि करना हो तो क्या करना है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की क्लास कैसे लगी वो भी बताएं, 50-60 लोगों के कमेंट होंगे तो डेफिनेटली क्लास करेंगे, वरना कल के भी स्किप करके फिर परसों के दिन तक ही क्लास हो पाएगी। आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, बेस्ट विशेस।